नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 14 अप्रैल। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस साल 129वीं जयंती मनाई जाएगी। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण में अहम योगदान रहा है। वहीं भीमराव अंबेडकर को दलित समुदाय के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे देश को संबोधित। आज से ठीक 21 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में बंद का ऐलान किया था। वहीं आज बंद की तारीख का आखिरी दिन है, जिसके तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे एक बार फिर से राष्ट्र का संबोधन करेंगे। वहीं खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंद की अवधि को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार कुछ चीजों में बंद में छूट का आदेश दे सकती है। वहीं आपको बता दें, भारत में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला और अनुमंडल अस्पताल शुरू करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार से कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। इतना ही नहीं, उन्होंने जिला और अनुमंडल अस्पताल को शुरू करने का निर्देश भी जारी किया है, ताकि कोरोना के साथ साथ लोगों का दूसरा इलाज भी करवाया जा सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधान सचिव संजय कुमार को भी कई दिशा निर्देश दिए हैं। जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने 56 लाख खाते में दी एडवांस पेंशन। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा लगातार कमजोर तबके के लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। वहीं सरकार ने सभी पेंशनर्स को भी राहत देते हुए 3 महीने के एडवांस पेंशन को 56 लाख खाते में भेज दिया है। वहीं 28 लाख पेंशनधारियों के खाते में राशि जल्द ही भेज दी जाएगी। खबरों के माने तो सभी पेंशनधारियों की जारी की गई राशि की कुल लागत 1,017 करोड़ रुपए है, जिसकी जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने दी है। मुजफ्फरपुर के SKMCH में भी कोरोना की जांच हुई शुरू। बीते दिन से मुजफ्फरपुर के SKMCH में भी कोरोना की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे कि अब बिहार में कुल मिलाकर 5 जांच केंद्र हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत होगी। वहीं सुरक्षा कर्मियों को भी कोरोना की जांच के लिए एक और विकल्प मिल गया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जारी की है, जिसके तहत उन्होंने यह बताया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की ओर से मुजफ्फरपुर के SKMCH में कोरोना के इलाज की इजाजत मिल गई है, जिससे कि अब RT-PCR की टेस्टिंग शुरू की जाएगी। कोरोना के बढ़ते असर के बीच सिवान में आई एक राहत भरी खबर। बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सिवान बिहार का हॉटस्पॉट इलाका माना जा रहा था। अब तक बिहार में सिवान के कुल मिलाकर 29 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिससे कि अब कुछ लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब सिवान में राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत सिवान में कोरोना पॉजिटिव मिलने की संख्या में गिरावट देखी गई है, जिससे कि सिवानवासी अब राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि सिवान ऐसी जगह है जहां से कोरोना के कई मामले सुनने में आ रहे थे। वेश बदलकर पुलिस चौकी पहुंचे DGP। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे अक्सर अपने अनोखे अंदाज के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में वह भेष बदलकर झुग्गी झोपड़ी में पहुंच गए थे, जहां पर उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। इतना ही नहीं, DGP गुप्तेश्वर पांडे हाल ही में टी शर्ट पहनकर और मुंह पर गमछा लपेटकर पुलिस चौकी पहुंचे थे, जहां पर कोई भी पुलिसकर्मी उन्हें पहचान नहीं पाया। लोगों को जब पता चला कि वह DGP है, तब चौकी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं DGP गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि वह थाने में देखने गए थे कि आखिर बंद के इस माहौल में पुलिसकर्मी किस तरीके से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में नजदीकी जिलों में भी जांच का दिया आदेश। कोरोना के फैलने की प्रवृत्ति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित क्षेत्रों के नजदीकी जिलों में भी जांच करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में PPE किट, मास्क और दस्ताने एवं जरूरी चिकित्सीय सामान की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम नागरिकों से अपील करते हुए आशंका होने पर जल्द से जल्द कोरोना जांच करवाने की नसीहत भी दी है। अस्पताल की तरफ से गाड़ी नहीं मिलने पर निजी वाहनों का खर्चा देगी सरकार। अस्पताल द्वारा जहानाबाद में हाल ही में गाड़ी समय पर नहीं पहुंचने के वाक्य के बाद बिहार सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए गाड़ी भेजने की प्रक्रिया के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी थी, जिसके तहत अब राज्य स्वास्थ्य समिति ने यह निर्णय लिया है कि 31 मई 2020 तक गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए भाड़े के वाहन से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाली महिलाओं को उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा 500 रुपये की राशि भेजी जाएगी। कोरोना के कारण फंसे लोगों को नीतीश सरकार देगी राहत। कोरोना के कारण उत्पन्न हुए परिस्थितियों में बिहारियों तक राहत पहुंचाने के लिए नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 50 करोड़ की राशि जारी की है, जिसकी मदद से बंद के दौरान कमजोर तबके के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इस राशि का प्रयोग किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले भी 100 करोड़ की राशि जारी की थी।
मीडिया की टीम का अब आईडी कार्ड रखना हुआ अनिवार्य। बंद के दौरान कई बार पुलिस और मीडिया के लोगों के बीच में बगझक की स्थिति सामने आई है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, वहीं मीडिया अपना काम करने जा रही होती है। वहीं अब इसी असमंजस की स्थिति को साफ करने के लिए सभी मीडिया कर्मियों को आई कार्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी जानकारी पटना के SSP उपेंद्र कुमार शर्मा की तरफ से सभी चौकियों की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीम को दे दी गई है। मीडिया कर्मियों को समझाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मीडिया को लोगों को अपने संस्थान की तरफ से दिए गए आईडी कार्ड को अपने पास रखना अनिवार्य होगा। बॉर्डर पार से अप्रिय वाक्यों की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सब पर पैनी नजर बनाकर रखने की अपील। बीते कुछ दिनों से नेपाल बॉर्डर में बिहार समेत पूरे भारत में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों को भेजने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस बात पर अभी भी शक जताया जा रहा है कि शायद प्रशासन को खबर मिलने से पहले ही कुछ लोग भारत या बिहार में घुसने में सफल हो गए हो। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सख्ते में है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए यह साफ कहा है कि हर एक व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बॉर्डर पर भी खास ध्यान रखने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी कमिश्नर आईजी डीआईजी के साथ की हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में सभी कमिश्नर आईजी और डीआईजी के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिकारी समग्र प्रयास से कोरोना की इस घड़ी में रोजगार का सृजन करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम अधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की अपील की है। वहीं हर घर नल का जल, पक्की गली नली समेत कई योजनाओं को फिर से शुरू करने पर सोच विचार किया जा रहा है। हालांकि इन योजनाओं को शुरू किया जाएगा और किसको नहीं, इस पर फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद लिया जाएगा। अब सब्जी और राशन के लिए बाइक और कार से नहीं जा सकेंगे आम नागरिक। जैसे जैसे लोग अपनी मनमानी पर उतरे हैं, वैसे वैसे सरकार ने भी सख्ती से पेश आने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में सड़कों पर कार और बाइक नहीं चलेगी। सब्जी, राशन, दूध और जरूरत के दूसरे सामान खरीदने के लिए पब्लिक को पैदल ही आना जाना होगा, जिसकी जानकारी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को दे दी गई है। इतना ही नहीं, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह भी साफ कर दिया है कि रोड पर अक्सर वही गाड़ियां चलेंगी जिन्हें प्रशासन की तरफ से पास निर्गत कराया गया है। अब तक बिहार में 43% मरीज हुए हैं ठीक, जहां एक तरफ आम नागरिक इस बात से परेशान है कि कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने यह भी दावा किया है कि अब तक सूबे में 43% मरीज ठीक हो गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार शाम को अपना बयान जारी करते हुए यह कहा है कि राज्य में कुल मिलाकर 29 मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कि पूरे कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में से 43% है, जो कि बाकी सभी राज्यों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। बिहार में सभी कोल्ड स्टोरेज के संचालन को मिली अनुमति। बिहार के सभी कोल्ड स्टोरेज के संचालन को एक बार फिर से खोलने की अनुमति मिल गई है। सरकार ने बंद की अवधि में कृषि और कृषि से जुड़े कार्यों को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया है। वहीं सभी जिलों को भी आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे कि अब कोल्ड स्टोर संचालकों के साथ उसमें उत्पाद रखने वाले व्यापारियों की चिंता भी दूर हो गई है। वहीं सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो भी कोल्ड स्टोरेज संचालित होंगे उसके मालिक को सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। सीबीएसई के 10वीं के छात्र पढ़ सकेंगे दो वैकल्पिक विषय। सीबीएसई के 10वीं के छात्रों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई के आदेशानुसार अब 10वीं के छात्र 5 मुख्य विषयों के साथ 2 वैकल्पिक विषय भी पढ़ सकेंगे। इतना ही नहीं, अगर छात्र मुख्य विषयों में किसी एक विषय में फेल भी हो जाते हैं तो उन्हें 2 वैकल्पिक विषयों के अंकों से बदलाव करने का भी मौका मिलेगा, जिससे कि अब 9वीं से ही छात्र को 2 वैकल्पिक विषय रखे जाएंगे। अभी 2021 के लिए 9वीं सत्र के छात्र का रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। अगले साल से शुरू होने वाले सत्र के लिए यह विकल्प होंगे। सभी नियोजित शिक्षकों को काम पर लौटने का मिला आखिरी मौका। बिहार सरकार ने सभी नियोजित शिक्षकों को काम पर लौटने का एक आखिरी मौका दिया है, जिसके तहत बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर सभी नियोजित शिक्षकों से यह कह दिया है कि जो भी शिक्षक ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना अभ्यावेदन व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने काम पर वापस आने वाले शिक्षकों के बारे में सोच विचार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि वर्तमान समय में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सड़कों पर उतरे नियोजित शिक्षक अपना योगदान देने को इच्छुक है वह अपना अभ्यावेदन जमा करवा सकते हैं। मरीजों के साथ नया हॉटस्पॉट बना बेगूसराय। सिवान के बाद अब बिहार का बेगूसराय दूसरा हॉटस्पॉट बन गया है, जहां पर 8 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में प्रशासन सख्ते में आ गई है। वहीं बिहार में बीते दिन कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। खबरों की माने तो बेगूसराय का एक 34 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लालू यादव ने कोरोना भगाने का बताया उपाय। भारत में लगातार कोरोना के मामले में बढ़ता असर देखा जा रहा है, जिसके रोकथाम के लिए वो बार बार प्रतिक्रियाएं भी देते आ रहे हैं। वहीं बिहार में जारी कोरोना के असर को देखते हुए लालू यादव ने भी अपना मंत्र अपने ट्विटर के माध्यम से एक बार फिर से दिया है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है, बैठे बैठे घर के अंदर बनो जादूगर, जपो मंत्र, खोजो तंत्र, यही है यंत्र, सबसे पवित्र लगा सर्वत्र, हारेगा कोरोना, बात हमारी रख लो लिखकर। अब सबसे प्रार्थना है कि अपने अपने जीवन के लिए घरों में ही रहे। इससे पहले भी लालू यादव ने कोरोना को हराने के लिए कई सारे तंत्र लोगों को बता रखे थे।
दूरदर्शन पर चलेगी 9वीं और 10वीं की कक्षा। रामायण समेत तमाम सीरियल्स के दोबारा प्रसारण के बाद अब दूरदर्शन 9वीं और 10वीं के छात्रों की पढ़ाई का जिम्मा भी उठाने जा रहा है, जिसके तहत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा चलाए जा रहे स्मार्ट क्लास की पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से अब करवाई जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हर दिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक कक्षाएं चलाई जाएंगी। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसलिए सारे सिलेबस भी वो समझ सके, इसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो भी तैयार किया जाएगा। बिहार में फूड प्रोडक्ट की कोई नहीं है कमी, उक्त जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आम नागरिकों को खाने के सामान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सामान स्टॉक में रखा हुआ है। हमने इस बारे में कारोबारियों से चर्चा की है, उसके बाद ही हमने यह ऐलान किया है। अगर बंद की अवधि 15 दिन और भी बढ़ जाती है तो भी हमारे पास पर्याप्त भोजन है। तेजस्वी यादव ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ न कुछ अपील करते ही रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार विशेष वित्तीय पैकेज देने के लिए केंद्र सरकार को राजी करें, ताकि बिहार कोरोना की इस परीक्षा में आसानी से पास हो सके। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार सरकार को कोरोना का मुकाबला करने के लिए और ज्यादा सक्रिय होने की नसीहत भी दी है। आकाश चोपड़ा ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर दिया बयान। भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर अहम बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि शायद उन्होंने अपना आखिरी मैच खेल लिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धोनी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से लेकर अभी तक टीम के लिए उपलब्ध नहीं हुए हैं। धोनी को ड्रॉप नहीं किया गया है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वह भारत के लिए नहीं खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, कोच रवि शास्त्री या कप्तान विराट कोहली उन्हें वर्ल्ड कप खेलने बोलते हैं तो शायद एक बार फिर से महेंद्र सिंह की मैदान में वापसी हो सकती है। रामायण में कुंभकर्ण की एंट्री के साथ ही सोशल मीडिया पर एक बार फिर से चालू हुई मीम्स की दुकान। इस बार रामायण में कुंभकर्ण का ट्रैक चल रहा है, जहां पर शो में अभी कुंभकर्ण की एंट्री दिखाई गई है, जिसके आते ही हंसी का पिटारा खुल गया। वहीं सोशल मीडिया पर मीम्स की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसके बाद यूजर्स के कई सारे फनी कमेंट्स सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। इसके तहत एक यूजर ने लिखा है कि जब रामायण का लेजेंड पर्दे पर दिखे। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बंद के दौरान दूरदर्शन द्वारा रामायण के प्रसारण होने से घर घर में रामायण ने अब एक खास जगह बना ली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रंजीत कुमार, मोहम्मद मुस्तजा अंसारी, अमरेंद्र यादव, पंकज कुमार, नदीम रजा, स्टूडेंट लाइफ ट्रिक्स, नीरज कुमार, मनोज कुमार चौरसिया, मनीष मनमौजी, रेणु देवी, अजीत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। मगर आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। पूरे बिहार में सड़कों पर कार और बाइक नहीं चलाने का आदेश कोरोना के रोकथाम में कितना कारगर साबित होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।